हेलो एवरीवन, मैं इंडियन ब्लॉगर रश्मि शर्मा आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये चैनल मैंने कल ही शुरू किया है। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी अपना चैनल बनाने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों की वीडियोस देखती हूँ, उनकी लाइफ देखती हूँ, जो वो खाना बनाते हैं, जो वो तैयार होते हैं, मतलब वो सब कुछ दिखाते हैं अपने ब्लॉग्स में, अपनी लाइफ, खाना, कुकिंग वगैरह सब, अपने बच्चे सब कुछ दिखाते हैं वो अपनी लाइफ से रिलेटेड। मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपनी लाइफ दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको देख के, और मेरा बहुत मन करता है उस पर। और मेरे बच्चे भी बहुत बोलते हैं कि चलो भाई हम भी, मम्मी हमें भी वीडियो बनानी है, हमें भी बनानी है। बट थोड़ा डर लगता था कि, मतलब इस चीज़ का डर नहीं था कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का डर लगता था कि हिम्मत सी, मतलब होता है ना, शायद जिसने जो अपनी पहली वीडियो बनाता है उसको होता होगा। और मुझे ऐसा कुछ वो भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक शौक़ था कि हाँ मुझे वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है। मेरे बच्चों को बहुत था शौक़ कि वीडियो बनाना है। और फिर चलो हमने कल फाइनल डिसीज़न ले ही लिया कि चलो बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। पहले तो चैनल बनाना भी एक आफत ही हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि चैनल कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, बट सोचा कि चलो देखते हैं, ट्राई मार के। तो बन गया शायद चैनल ना, मतलब अभी तो पता नहीं, कह नहीं सकते ना कि वो बना है कि नहीं बना है, बट शायद वो बन ही गया है क्योंकि उस पर 2-3 सब्सक्राइबर हो गए हैं। वो सब्सक्राइबर भी अपने ही हैं। मेरी बेटी को बहुत शौक लग रहा है, वो सबको जा जाके बता रही है मेरी मम्मी ने चैनल खोला है। तो ऐसे हो रहा है, तो आप लोग भी देखिएगा। और ये जो ओ आ ई हो रहा है, ये थोड़ा नर्वसनेस है, आप लोग समझ सकते हैं। मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है और मुझे कोई अच्छी खासी इंग्लिश नहीं आती है, अच्छी खासी मैं कोई एजुकेटेड नहीं हूँ। आप लोग बोलते हैं फिर कि भाई ऐसे नहीं, वैसे बोलो, ये क्यों बोला, ये गलत बोला है आपने। तो सॉरी, मैं उसके लिए अभी सॉरी बोल देती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, कोई इंग्लिश नहीं आती है। और वैसे भी हम इंडियंस हैं तो हमें हिंदी पे गौर फरमाना चाहिए, ना कि इंग्लिश पे। और ना ही मैं इंग्लिश की क्लासेस लूँगी वीडियो बनाने से पहले। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और शायद आपको यही पसंद आए, शायद आपको अच्छा लगे मेरे वीडियोस देख के। और अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे एक हिम्मत सी आ जाएगी कि हाँ चलो। आप में से बेशक एक बंदा ही मुझे ये बताए तो उससे ही मुझे बहुत हिम्मत आएगी। और अभी जैसे कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, अब आज संडे है और श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे कल परसों में, और फिर सफाई का दौर शुरू हो जाएगा। वैसे तो आज भी हमने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सफाई की थी, बहुत भयंकर सफाई में लगना पड़ता है ना, बहुत, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो नफरत है वो घर में सफाई जो भयंकर वाली होती है ना, जिससे मतलब डीप क्लीन होती है, एक एक चीज़ को निकालना, एक एक चीज़ को साफ़ करना। हालांकि बाद में बड़ी खुशी होती है जब हम उसको कर देते, जब तक हम उसको नहीं करते हम सोचते रहते हैं कि अरे ये साफ़ करना है, ये साफ़ करना है, तो एक मतलब एक वो रहता है कि अरे यार ये करना है। जब हम उस चीज़ में लग जाते हैं तो फिर मज़ा भी बहुत आता है, हम उस चीज़ को करने लगते हैं, हमें चलो ये भी साफ़ कर लेते हैं, हम ये भी साफ़ कर लेते हैं, टाइम भागता रहता है। जैसे कि आप देखिए ना, अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, 2 बजे। अभी मैं थोड़ी देर पहले नहाई हूँ 1 बजे के करीब, सर वगैरह धोया है क्योंकि डस्ट सारी सर में आ जाती है, तो बस अब सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के घरों में भी हो रही होंगी या होने वाली होंगी, क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे लोग बहुत करते हैं किचन वगैरह साफ़, मुझे भी करना है। और इस टाइम धूप अच्छी हो रही है, तो अगर हम किसी चीज़ को धूप दिखाना चाहते हैं तो हमें दिखा देनी चाहिए। आज मैंने भी 1-2 सामान अपना निकाल रही हूँ, बाहर रख रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं गांव से हूँ और मेरा गांव बहुत प्यारा है, मैं आपको वो भी बहुत जल्दी दिखाऊँगी अगर आप कहेंगे तो। अगर आप, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद है वो चीज़ हम दिखाने, तो हमें अच्छा लगेगा कि भाई हाँ पसंद आ रही है लोगों को ये चीज़ें, अपने पास से दिखाएंगे। अगर आपको ना पसंद आए, वैसे मैं दिखाऊंगी तो ज़रूर, क्योंकि मेरा गांव और इस गांव के लोग बहुत प्यारे हैं। और हमारी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, और मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और वो भी बहुत खुश हैं कि चाची का चैनल बना है। उन्होंने सबसे पहले सब्सक्राइब किया है, जैसे ही उनको पता चला उन्होंने सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है। और जो छोटे वाला है कार्तिक, वो तो खुद इतना मतलब यूट्यूबर का, वो यूट्यूब पे उसको भी बहुत शौक है वीडियोस बनाने का, करने का।
तो आज मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल था, बच्चों के बीच में स्पेशली कि यूट्यूब चैनल बना है। और मैं आपको क्या बताऊँ, आज ये पहला वीडियो है, आप जैसा बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी वैसा करने की। वैसे मैं व्लॉगिंग करूँगी, अपनी लाइफ दिखाऊँगी आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून दोपहर में, कैसे होता है क्या होता है। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा वो है, वो बार बार मुझे देख रही है दूर से, मम्मा मुझे भी आना है मुझे। मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, आओ आना आप भी धीरे धीरे, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा ओके। और तो फिर एंड करें वीडियो का। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आज वीडियो बना के, अपनी ये सारी बातें बोल के जो मैं बहुत टाइम से बोलती थी, वीडियो बनाती थी, बट खुद ही देख के बच्चे देख के खुश हो जाते थे। कभी हमने यूट्यूब पे नहीं डाली, डर सा भी तो लगता है ना, एक अजीब सा लगता है। अब मुझे नहीं पता कि वो डर है क्या नहीं है, बट एक अजीब सा लगता है क्योंकि मैं बहुत लोगों की वीडियोस देखती हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत वीडियोस देखती हूँ। हालांकि मैं कमेंट नहीं करती थी, सिर्फ लाइक वगैरह करती थी, मैं कमेंट नहीं करती थी। चलिए फिर यही होता है ना कि मतलब भूल जाते हैं कि बोलना क्या है, करें क्या अब आगे, ये सब हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा, और अगर कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, कुछ लगा है आपको, तो पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। और चलिए फिर, बाय बाय, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।